हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर अनन्या और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम ड्राइंग सीखना शुरू करते हैं तो हर एक टीचर सबसे पहले हमें कैलीग्राफी स्केच, लाइंस, हैचिंग, शेडिंग वगैरह सिखाता है और वो सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। हमें लगता है कि स्टार्टिंग में पहले दिन लाइंस, हैचिंग, शेडिंग ये सब क्या है, है ना? तो दोस्तों, बोरिंग तो बहुत लगता है, लेकिन एक अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए ये पहला स्टेप है जो सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैलीग्राफी स्केच, हैचिंग वगैरह अच्छे से सीख लेते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैलीग्राफी स्केच। और ये सिर्फ एक बार बना दिया, एक बार कर लिया ड्राइंग, इतने से काफ़ी नहीं होगा। इसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका हाथ बैठेगा सही से और आप एक अच्छी ड्राइंग बना पाएंगे। और ये जो कैलीग्राफी स्केच है और कैलीग्राफी फॉर्म्स हैं, उसकी मदद से हम अच्छे से अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। मैं अपना एक ड्राइंग दिखाती हूँ। ये है लाइन आर्ट, इसमें बारीक बारीक डिज़ाइंस मैंने करी है। तो ये जो डिज़ाइंस हैं वो बिना कैलीग्राफी स्केच या हैचिंग, लाइनिंग, बिना उसके उसको सीखे नहीं कर सकते हैं। तो है ये, देखिए ये है मैंने बनाया मंडला आर्ट। मंडला आर्ट में इसमें भी बहुत ही बारीक बारीक डिज़ाइंस मैंने बनाई हैं। तो ये सारी चीज़ें तब बनेगी जब हम फर्स्ट स्टेप कैलीग्राफी स्केच बनाना सीखेंगे, फिर लाइन बनाना सीखेंगे, है ना? तो ये जब हमारा हाथ बैठ जाएगा तब तो हम ऐसी बारीक डिज़ाइंस बनाना, सही से बनाना सीख पाए। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ड्राइंग सही से करने के लिए कैलीग्राफी स्केच बनाना सीखना और हैचिंग वगैरह कितना इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कैलीग्राफी स्केच बनाना ही सिखा रही हूँ। प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखें और बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप एक अच्छी ड्राइंग बनाना सीख सकें। दोस्तों, अगर आप नया नया ड्राइंग करना सीख रहे हैं और कैलीग्राफी स्केच बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में पहले पेंसिल से ही कैलीग्राफी स्केच या हैचिंग वगैरह बनाएं और प्रैक्टिस करें। फिर बाद में चाहें तो आप कोई भी पेन या स्टिक पेन यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टिक पेन का यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो प्लीज़ पेंसिल से ही प्रैक्टिस करें। फिर बाद में आपकी मर्ज़ी, आप पेन से भी कर सकते हैं, स्टिक पेन से भी कर सकते हैं, ओके? और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिले। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 4x4 के कुछ बॉक्स बना लिए हैं, तो उसमें हम बनाएंगे कैलीग्राफी स्केच। आप चाहें तो इससे बड़ी साइज़ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4x4 सेंटीमीटर के बॉक्स बनाए।